हमारे कई साथियों को उठाया गया है। उमर सुल्तान को दो दिन पहले मेरे साथ थे केपी हाउस में और रात को उधर से निकले, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उठाया और नामालूम लोगों ने, अभी मैं एजेंसियों के नाम लेता हूँ तो आप मीडिया के जरा नाम ले ही नहीं सकते, तो मैं अभी कहूँगा केजीबी, तो केजीबी ने उनको जनाबे वाला उठाया रात के अंधेरे में और गायब कर दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। खवातीन व हज़रात, मुल्क नाजिक मोड़ से गुजर रहे, वाहिद तरीक़ाकार ये है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये अफरा तफरी और ये मईशत का जो इस हकूमत ने, फॉर्म 47 की हकूमत ने हाल कर दिया है, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। मुकम्मल तौर पे ये हकूमत फेल है। चीनी इन्होंने पिछले दिनों एक्सपोर्ट कर दी और आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं क्योंकि कीमत की, चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया। सर ये बात बता दीजिएगा कि कभी तो लगता है रहम दिली के बादल आप पे बरसना शुरू होने वाले हैं और कभी लगता है कि फिर जेल में जो सख्तियाँ शुरू हो गई हैं, ये क्या चूहे बिल्ली का खेल है और आप क्या समझते हैं कि अंडरग्राउंड रबतों का या जाहिर रबतों का कोई फायदा आने वाले वक्त होगा? हमारे ऊपर किसी के साथ, हम लोग सिर्फ रहम मांगते हैं, परवरदिगार से रहम मांगते हैं। हम लोग इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला की करते हैं। रहम जो है वो